Hey guys, welcome back again to our channel Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. नंबर वन, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग केस में सलमान के स्टेटमेंट पर अब और भी डिटेल्स सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि 4 जून को दोपहर करीब 12 बजे के करीब क्राइम ब्रांच के 4 ऑफिसर्स सलमान खान का बयान दर्ज करने उनके घर गए थे. सलमान खान का बयान दर्ज करने में करीब 3 से 4 घंटे लगे थे, जबकि अरबाज खान का बयान दर्ज करने में 2 घंटे लगे थे. क्राइम ब्रांच की टीम शाम 5:30 बजे के बाद सलमान के घर से बयान दर्ज करके निकली थी. मुंबई पुलिस सलमान खान के घर फायरिंग मामले में उनका बयान दर्ज करने पहुंची थी. पुलिस ने लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की, बातचीत की और फिर दोनों से बयान यानी कि स्टेटमेंट लिया. बता दें कि सलमान खान ने ये भी बताया कि वो इन सब चीजों से परेशान हो चुके हैं. नंबर 2, अक्षय कुमार जल्दी ही सरफिरा में नजर आएंगे, जो साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म सरोरई पेट्रू की रिमेक है. आज फिल्म की रिलीज डेट और पहला पोस्टर शेयर किया गया है. ये बायोपिक 12 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म के पहले पोस्टर में अक्षय कुमार की पहली झलक देखने को मिली. पोस्टर में अक्षय कुमार आसमान की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर 18 जून को आएगा. नंबर 3, अजय देवगन ने फिल्म सिंघम अगेन की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है और बताया है कि ये फिल्म दिवाली के मौके पर आ रही है. और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट क्यों टाली है. अजय ने कहा, हम इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि फिल्म 15 अगस्त को ही रिलीज के लिए तैयार है या फिर नहीं, इसलिए हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं. बहुत बार जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है, तो हम फिल्म की शूटिंग पूरी करने में अपना पूरा समय ले रहे हैं. नंबर 4, कल की 2898 AD इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है. इस फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सामने आते ही इस साइंस फिक्शन फिल्म ट्रेलर के कई सीन जमकर वायरल हो रहे हैं. इन सब के बीच हाल ही में फिल्म के मेकर्स पर एक चौंकाने वाला आरोप लगा है. सोशल मीडिया पर एक मशहूर कोरियन आर्टिस्ट ने फिल्म का एक सीन शेयर करते हुए दावा किया है कि ये उनके आर्ट वर्क से चुराया गया है. उन्होंने सबूत भी शेयर किया है. नंबर 5, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के फैंस के लिए गुड न्यूज है. राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 के रिलीज डेट का खुलासा हो गया है. मडोक फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म स्त्री 2 की रिलीज डेट का आज 14 जून को ऐलान हुआ है और फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. भारत की आजादी वाले दिन बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 की जंग अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्मों से और इसके अलावा अल्लू अर्जुन की फिल्म से भी क्लैश होने जा रहा है. नंबर 6, जिगरा के पोस्टर ने आलिया भट्ट के फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट भर दिया है, जिसके बाद से उनका ये पोस्टर खूब वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार इस पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं और फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म जिगरा का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, 11 अक्टूबर 2024 को जिगरा के साथ थिएटर में मिलते हैं. नंबर 7, देश भर में 14 जून यानी आज कार्तिक आर्यन की फिल्म चंद चैंपियन रिलीज हो गई है. इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन ने अपना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया था, जिस पर लोगों की निगाहें ठहर गई थी. वहीं अब फिल्म में कार्तिक की एक्टिंग ने भी लोगों को इम्प्रेस कर दिया है. फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जिसमें दर्शक हंसे हैं तो कई बार इमोशनल भी हुए हैं. नंबर 8, फिल्म औरों में कहां दम था में अजय देवगन और तब्बू 50 की उम्र में रोमांस करते नजर आएंगे. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर एक्ट्रेस ने कहा कि रोमांस और प्यार किसी भी उम्र तक सीमित नहीं होता है. जी हां, एक्ट्रेस तब्बू ने 50 की उम्र में रोमांस करने को लेकर कहा, रोमांस सिर्फ युवाओं या फिर एक निश्चित उम्र तक ही सीमित नहीं है. मुझे नहीं लगता है कि जब आप रोमांस प्यार और रिश्तों के बारे में बात करते हैं तो कोई बाधा होती है. एक्चुअली में मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म प्यार और रोमांस से ज्यादा एक रिलेशनशिप के बारे में है और मानवीय रिश्ते सबसे दिलचस्प चीज है जो सिनेमा को मिली है. नंबर 9, हीरा मंडी सीरीज के बारे में आजकल खूब बातें हो रही हैं और सबसे ज्यादा तो सीरीज के लिए शर्मिल सहगल को लगातार ट्रोल किया जा रहा है. लोग उनकी एक्टिंग को गंदा बता रहे हैं. इस ट्रोलिंग के बाद कई स्टार्स शर्मिल के सपोर्ट में उतरे. वहीं अब फरदीन खान भी शर्मिल के सपोर्ट में आ गए हैं. बता दें कि फरदीन खान ने भी हीरा मंडी में अहम किरदार निभाया है. नंबर 10, बॉबी देओल को एक के बाद एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और बॉबी भी अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस करते जा रहे हैं.
साउथ इंडस्ट्री तो उनसे इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई है कि उन्हें एक के बाद एक साउथ के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। अब एक्टर को एक और प्रोजेक्ट मिल गई है, यानी एक और फिल्म मिल गया है। अब वो KGF फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म में जूनियर NTR का लीड रोल होगा। इसी फिल्म में बॉबी देओल का सामना जूनियर NTR से होगा। फिल्म को लेकर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन इसके बाद भी रिपोर्ट्स के आधार पर फिल्म में बॉबी को लिया जा सकता है। नंबर 11, एक्ट्रेस विद्या बालन ने अपने नए लुक से फैंस को हैरान कर दिया है। विद्या बालन कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन के प्रीमियर के मौके पर ब्लैक ड्रेस पहनकर पहुंची थीं। उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हैरान रह गए हैं, और अब उनका लुक काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। नंबर 12, शादी की खबरों पर सोनाक्षी सिन्हा का अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन इन्हीं सब के बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दिया है। सोनाक्षी सिन्हा ने 13 जून की शाम अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी सेक्शन में एक वीडियो रीशेयर किया था। वीडियो में हीरा मंडी सीरीज की एपिसोडिक डायरेक्टर मिताक्षरा कुमार एक इंटरव्यू देती नजर आ रही हैं। मिताक्षरा कुमार वीडियो इंटरव्यू में सोनाक्षी सिन्हा की तारीफों के पुल बांधती दिखाई दे रही हैं। मिताक्षरा की तारीफों का जवाब सोनाक्षी सिन्हा ने उनकी वीडियो को रीशेयर करके एक फैंस के साथ दिया है। नंबर 13, हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा लॉन्ग टाइम से सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में सेपरेशन की खबरों के बीच नताशा ने नया क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। नताशा के नए क्रिप्टिक पोस्ट ने एक बार फिर से नेटिजन्स को कयासबाजी करने का मौका दे दिया है। नंबर 14, सच्ची घटना पर आधारित फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्सपिरेसी गोधरा का ट्रेलर कल 13 जून को रिलीज कर दिया गया, जिसके बाद ये ट्रेलर सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं फिल्म के लीड रोल में रणबीर शौरी, पंकज जोशी जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे। ये फिल्म 1 मार्च 2024 को रिलीज होगी। इस फिल्म को MK शिवाक्ष ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणबीर शौरी ने एक वकील के किरदार में नजर आएंगे। वो गोधरा ट्रेन अग्निकांड के पीड़ितों की तरफ से केस लड़ते हुए दिखाई देंगे। नंबर 15, अनु कपूर और पार्थ समाधान की फिल्म हमारे 12 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा है और ट्रेलर में सभी आपत्तिजनक संवाद जारी है। कोर्ट ने आगे कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि CBFC जो अधिनियम के तहत सौंपी गई वैधानिक संस्था है, अपने काम करने में विफल रही है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।